अशोकनगर भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक महत्वपूर्ण शहर है जो कि ग्वालियर मंडल के अंतर्गत आता है। यह शहर मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में सिंध और बेतवा नदियों के बीच स्थित है जो लगभग 4674 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का 38वां सबसे बड़ा जिला है। इस जिले को प्राचीन समय में पछार के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, इस जिले का अस्तित्व 15 अगस्त 2003 को आया था। इसके पहले यह शहर गुना जिले की एक तहसील हुआ करती थी, जिसे प्रशासनिक सुविधा के लिए 15 अगस्त 2003 को एक स्वतंत्र जिले में स्थापित किया गया था। वर्तमान में यह जिला कुल 5 तहसीलों, 4 कस्बे और 899 गांवों में बटा हुआ है, जिसकी कुल जनसंख्या 2023 में 11 लाख तक होने का अनुमान है। फ्रेंड, अशोकनगर शहर अपनी अनाज मंडी और शरबती गेहूं के साथ ही चंदेरी साड़ियों के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। फ्रेंड, यह शहर मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल से लगभग 190 किलोमीटर और इंदौर शहर से 360 किलोमीटर और ग्वालियर शहर से लगभग 250 किलोमीटर दूर स्थित है। फ्रेंड, इस शहर के लोगों का मुख्य व्यवसाय ज्यादातर कृषि है, साथ ही यहां कपड़ा व्यवसाय भी काफी सक्रिय है। इसके अलावा अशोकनगर अपने बाजार के लिए भी काफी प्रसिद्ध है, जिसमें कपड़ा, ऑटोमोबाइल, किराने का सामान और सोना चांदी के अच्छे बाजार है। फ्रेंड, इसके अलावा इस जिले का प्रशासनिक विभाजन उपमंडल, ब्लॉक और तहसील में किया गया है। इनके मुख्य अधिकारी SDM, BDO और तहसीलदार होते हैं और यहाँ मुख्य रूप से बुंदेली और मालवी भाषा बोली जाती है। दोस्तों, इनके अलावा अशोकनगर जिला भारत में जैन आबादी के आधार पर सागर, टीकमगढ़ और ललितपुर जिले के बाद सबसे बड़े जिलों में से एक है। साथ ही यहाँ 7 सुपर डिजाइन किए गए जैन मंदिर इस शहर के केंद्र में स्थित है। फ्रेंड, अशोकनगर का इतिहास कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में मौर्य वंश के शासक अशोक से और महाभारत से जुड़ा हुआ है। बात उस समय की है जब अशोक उज्जैन पर विजय प्राप्त करने के लिए निकले तो यहाँ पर एक रात विश्राम किया था, इसलिए इसका नाम अशोकनगर पड़ा था। और अगर महाभारत के समय से जोड़कर देखें तो हम पाएंगे कि ये क्षेत्र तत्कालीन चेदी राज्य के अधीन था, बल्कि चंदेरी भी चेदी राज्य के अधीन था। और 19वीं और 20वीं शताब्दी में यह नगर ग्वालियर के राजा सिंधिया लोगों के अधीन था और 20वीं सदी के अंत तक इस नगर को पछार के नाम से जाना जाता था, तथा स्वतंत्रता के बाद जब देश स्वतंत्र हुआ तो यह मध्य प्रदेश राज्य का अंग बना और समय के साथ ही इसे जिले की मान्यता प्रदान कर दी गई थी। फ्रेंड, इसके अलावा अशोकनगर में स्थित चंदेरी एक महत्वपूर्ण नगर है, क्योंकि यह एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक और पर्यटक स्थल है। यह सुंदर पहाड़ियों, झीलों और जंगल से घिरा एक आकर्षक गंतव्य है जो चंदेरी साड़ियों के लिए पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है और साथ ही ऐतिहासिक स्मारकों के लिए अविश्वसनीय रूप से भी प्रसिद्ध है, इसलिए हर साल ये जगह बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करती है। फ्रेंड, इनके अलावा अशोकनगर जिले की सीमा मध्य प्रदेश के गुना जिले से, शिवपुरी जिले से, विदिशा से और सागर जिले के साथ ही उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से लगती है। फ्रेंड, इस शहर में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र भी पाया जाता है। यहाँ के वनों में नीलगाय, चिंकारा, काले हिरन, खरगोश, जंगली सुअर, लकड़बग्घे और लोमड़ी आदि जीव पाए जाते हैं। फ्रेंड, वैसे यह शहर ठंडा और शुष्क जलवायु वाला जिला है। यहाँ जून के महीने में औसत तापमान 47 डिग्री तथा सर्दियों में 4 डिग्री तक होता है और इस जिले में लगभग 140 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। फ्रेंड, यह शहर रेल मार्ग और सड़क मार्ग द्वारा भारत के अन्य शहरों से भली भांति जुड़ा हुआ है और इसके अलावा इस शहर में कई सारे खूबसूरत टूरिस्ट पैलेस भी मौजूद है, जैसे तुलसी सरोवर पार्क, आम्ही तालाब, श्री आनंदपुर धाम, ईसागढ़ का किला, श्री दिगंबर जैन तीर्थ और बिजासन माता मंदिर आदि कई सारे खूबसूरत स्थल देख सकते हैं। फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।